शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने आज पहले जालंधर में विवादित बयान जारी करते हुए सरकारी शिक्षा को ढाबे का नाम दिया और उसके बाद कपूरथला में कहा कि अध्यापकों को सड़कों पर रहने का शौक बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूनियनों के बहकावे में आकर अध्यापक 24 घंटे सड़कों पर रहते हैं। सानू भी कंप्लेंट आउंदियां जी, 6,000 फीस लेंदे, 5,000 फीस लेंदे प्राइवेट स्कूल वाले, पर वेखना भी है। हुण मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड गल करना, हुण रोटी ढाबे तो भी मिल जाती है, रोटी लोग 5-स्टार होटल तो भी खा लेंगे, किन्ना डिफरेंस हुंदा उहदा। ढाबे तो जिहड़ी आ उह 20 रुपये 10 रुपये की चाह मिल जाती है, 5-स्टार होटल जी लोग जाते हैं, पर कभी 5-स्टार होटल वाले गए नहीं पिछे जाके कस्टमर दे भी साडे होटल आओ तुसीं। तो इस करके थोड़ा जा फर्क तो पैंदा है। इससे पहले जालंधर में मंत्री ने मीटिंग में न पहुंचने पर जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी सतनाम सिंह को सस्पेंड कर दिया। जालंधर में शिक्षा मंत्री सोनी ने पत्रकारों के एक सवाल पर जवाब देते हुए प्राइवेट शिक्षा को लग्जरी होटल तथा सरकारी शिक्षा को ढाबे से मूल्यांकन कर दिया। जब इस बारे में उन्हें ध्यान आया कि वे क्या बोल गए हैं तो वे इस बात को टालने लगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा के सुधार पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यही नहीं, राज्य के समूह विधायक सरकारी स्कूलों को गोद लेकर उनका विकास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य के 15,000 सरकारी स्कूलों में करीब 25 लाख विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। राज्य में शिक्षा के ग्राफ को और ऊंचा उठाने के लिए जहां ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जा रहा है, वहीं स्कूलों को नए शिक्षक दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वकालीन भाजपा सरकार ने अपने 1 दशक के शासनकाल के दौरान शिक्षा के ग्राफ को काफी नीचा किया है। इस दौरान उनके साथ DC वरिंदर कुमार शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।